देखिए आज की ताजा खबर। हम सब के पसंदीदा चुलबुल पांडे बनाने जा रहे हैं मुंबई पुलिस पर टीवी शो। वैसे तो पिछले एक साल से मीडिया में सलमान खान की अपकमिंग टीवी शो गामा पहलवान खूब सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट पर कोई भी ठोस खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अब हालिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान मुंबई पुलिस पर बेस्ड एक शो को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वेल, सलमान खान को हम इससे पहले कई फिल्मों में जैसे गर्व, प्राइड एंड ऑनर और दबंग सीरीज में पुलिस की भूमिका में देख चुके हैं और अब वो मुंबई पुलिस के जिंदगी पर आधारित एक टेलीविजन शो को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि सोनी टीवी के साथ एक फिक्शन शो को लेकर कई दिनों से बातचीत जारी है। कुछ दिनों के अंदर ही कास्टिंग शुरू हो जाएगी और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो इस साल के अंत तक इस शो को ऑन एयर भी किया जाएगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर और बॉलीवुड और टेलीविजन के ऐसे ही गॉसिप्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। अक्षय कुमार ने बांधी टाइगर श्रॉफ के लिए तारीफों की पुल। वेल, हाल ही में रिलीज हुई बागी 2 के ट्रेलर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है और अब इस फेहरिस्त में जुड़ा अक्षय कुमार का नाम। जी हाँ, इस दिन ट्वीट करते हुए अक्षय ने लिखा, फ्लाइंग, पंचिंग और किकिंग एट आई टाइगर श्रॉफ सच में बागी 2 के ट्रेलर में वन मैन आर्मी की तरह दिख रहे हैं। टाइगर और साजिद को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको पता ना हो तो बता दे, पहले ये फिल्म सलमान खान को ऑफर हुई थी, फिर जब सलमान के बिजी शेड्यूल के चलते बात नहीं बन पाई तब टाइगर को इसके लिए अप्रोच किया गया और टाइगर ने भी जी जान लगाकर इस फिल्म को काबिले तारीफ बना ही दिया। बता दे, अहमद खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म इस साल 30 मार्च बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है, जहां टाइगर श्रॉफ एक बार फिर रॉनी के किरदार में वापसी करने जा रहे हैं, पर इस बार उनके ऑपोजिट दिशा पाटनी आएंगी नजर। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है, हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। एक बार फिर 2.0 के मेकर्स ने इसे पोस्टपोन करने का मन बना लिया है। हालांकि इस फिल्म के मेकर्स अभी भी इसके रिलीज डेट को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, पर सोर्सेस के मुताबिक 2.0 इस साल दिवाली के दौरान रिलीज होगी, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। वेल, 2.0 के मेकर्स यानी लायका प्रोडक्शंस इस फिल्म को आमिर खान के फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ कतई क्लैश नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनके मुताबिक इस क्लैश से दोनों फिल्मों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए 2.0 के मेकर्स ने कई बार आमिर के साथ बात करने की भी कोशिश की, पर लगता है आमिर खान कोई भी नेगोशिएशन करने के मूड में ही नहीं है। पर एक बार फिर एक छोटा सा ट्विस्ट आ ही गया जब पिछले कुछ दिनों से यही सारी बातें सुर्खियां बटोर रही थी, तब रजनीकांत के एक कॉल से सारी इक्वेशंस उलट पलट हो गई और अब लायका प्रोडक्शंस और यशराज इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। बागी 2 के ट्रेलर ने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। बता दे, जहां एक तरफ टाइगर श्रॉफ के फौलादी अवतार की हर कोई तारीफ कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक और बात की भी चर्चा इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल बागी 2 के ट्रेलर तेलुगु फिल्म शनम से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन कहीं भी इस फिल्म के मेकर्स ने इसकी जिक्र नहीं की है। अगर आपको पता ना हो तो बता दे, अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए पहले सलमान खान को अप्रोच किया गया था और अब सलमान के बिजी शेड्यूल से तो हम सभी वाकिफ है। जब यहाँ बात नहीं बन पाई तब इस फिल्म के मेकर्स ने टाइगर श्रॉफ को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया। वैसे भले ही बी टाउन के एक टाइगर के बिजी शेड्यूल के चलते बात ना बन पाई हो, लेकिन दूसरे टाइगर ने भी इसे रिलीज से पहले ही सुपर हिट का करार दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।
सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान अपने चाइना सफर के लिए है तैयार, पर इससे पहले कि एक कॉमेडी ड्रामा चाइना में दस्तक दे पाती, इसके पायरेसी के खबरों ने मीडिया में सुर्खियां बनानी शुरू कर दी। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक बजरंगी भाईजान चाइना में सबसे अधिक पायरेटेड बॉलीवुड मूवी है। बता दें, डायरेक्टर कबीर खान द्वारा निर्देशित ये कॉमेडी ड्रामा 2 मार्च को चाइना में दस्तक देने के लिए है तैयार, जहां इसे लिटिल लोलिता एंड मंकी गॉड अंकल के नाम से 8,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा। पर अब लगता है कि इसके पायरेसी के कारण इसके बिजनेस में आ जा सकती है। हालांकि इस फिल्म को प्रीव्यू के दौरान चाइना में काफी अच्छी रिस्पांस मिली। अब रिलीज के बाद इसके चाइनीज सफर को देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। क्या डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने उड़ाया शाहरुख खान का मजाक? वेल, शाहरुख खान की फिल्म जीरो और अभिषेक कपूर की केदारनाथ इस साल क्रिसमस पर क्लैश होने वाली थी, लेकिन फिर खबरें आए कि केदारनाथ लंबे समय के लिए लटक चुकी है। पर अब इन सारी अफवाहों को एक तरफ करते हुए डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने न केवल इस बात पर मोहर लगा दी कि केदारनाथ क्रिसमस पर ही रिलीज हो रही है, बल्कि उन्होंने इसी के साथ साथ शाहरुख खान की बेइज्जती भी कर दी। बता दें, एक हालिया मीडिया इंटरेक्शन के दौरान डायरेक्टर अभिषेक कपूर का कहना था कि मैंने इस फिल्म के टीजर रिलीज से पहले ही इस फिल्म के शाहरुख की कुछ तस्वीरें देखी थी और मुझे वो कुछ खास नहीं लगी। उसमें शाहरुख खान एलियन की तरह लग रहे थे। बता दें, इस दिन डायरेक्टर साहब का ये भी कहना था कि मेरी फिल्म केदारनाथ जीरो से बेहतर है, ऐसे में इस क्लैश से मैं क्यों पीछे हटूं? तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है? वेल, हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। 2018 की शुरुआत ही बॉलीवुड के चमक से हुई थी और अब बॉलीवुड के तरफ से मिला एक और नया चमक, जब इस दिन अक्षय कुमार ने अपनी मच एम्बिशियस वेंचर केसरी के फर्स्ट लुक को किया रिवील। बता दें, केसरी वही फिल्म है जो सारागढ़ी के युद्ध पर बेस्ड होने वाली है। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अक्षय एक सरदार जी के किरदार में दिखाई देंगे और इस फर्स्ट लुक में भी अक्षय पगड़ी और दाढ़ी में एक ठेठ जट के लुक में दिखाई दिए। इस फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए इस दिन अक्षय ने लिखा, इस तस्वीर को शेयर करते हुए मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है। मेरे 2018 की शुरुआत मैं केसरी से करने जा रहा हूँ, मेरी अब तक की सबसे एम्बिशियस फिल्म। हर बार की तरह इस बार भी आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है और क्या आपने अभी तक केसरी के फर्स्ट लुक देखा? वेल, हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। इस ट्विस्ट के बाद सलमान खान हुए आउट और सनी देओल हुए इन। वेल, सारा अली खान की डेब्यू पर इन दिनों हर कोई नजर टिकाए बैठा है। जहां शुरुआती दिनों में ये खबरें आई थी कि सारा आयुष शर्मा के ऑपोजिट बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं और इस फिल्म को सलमान खान प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसके बाद सारा ने अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ साइन कर ली। पर अब जब केदारनाथ लंबे समय के लिए लटक चुकी है, ऐसे में अगर खबरों की माने तो सैफ की ये लाडली बेटी बेताब रीमेक में करण देओल के ऑपोजिट डेब्यू करने जा रही है। हालांकि इस फिल्म का ऑफर पहले ही अमृता सिंह को दिया गया था, लेकिन तब उन्होंने इसको नाकार कर दिया था। बता दें, ये फिल्म सारा और करण दोनों के लिए ही यादगार होगी, क्योंकि जहां सारा की मम्मी अमृता सिंह ने इस फिल्म से डेब्यू किया था, वहीं करण के पापा सनी देओल ने भी बेताब से बॉलीवुड में कदम रखा था। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। जब से बागी 2 के फर्स्ट लुक ने इंटरनेट पर दस्तक दिया है, तभी से इस टाइगर के साथ बी टाउन के दूसरे टाइगर की तुलना शुरू हो गई है। जी हाँ, बात हो रही है सलमान खान के टाइगर जिंदा है लुक की, जिसकी कंपैरिजन इस वक्त टाइगर श्रॉफ के बागी 2 लुक के साथ की जा रही है। और कंपैरिजन हो भी क्यों ना, आखिर बागी 2 के फर्स्ट लुक में टाइगर की शिजेल्ड बॉडी और टाइगर जिंदा है में सलमान खान की हॉट फिजीक इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। सिर्फ यही नहीं, इन दोनों के हाथ में मशीन गन और इनका लीथल लुक हर चीज में कहीं ना कहीं एक दूसरे की झलक देखने को मिल रही है।
ऐसे में आपके मुताबिक कौन से टाइगर ने आखिर मारी बाजी, टाइगर जिंदा है के सलमान खान ने या फिर बागी 2 के टाइगर श्रॉफ ने, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। किक 2 के किक स्टार्ट होने में अब ज्यादा देर नहीं है, और दोस्तों अब अगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो इसके ओरिजिनल पेयरिंग सलमान और जैकलिन फर्नांडिस रेस 3 के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं, और वो भी उनके मच लव्ड फिल्म किक 2 के सीक्वल में। क्यों है ना ये एक जबरदस्त खबर? Well, फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर साजिद नादिद्वाला ने किक 2 के लीड एक्ट्रेस को लेकर उड़ रही सारी अफवाहों को खत्म करते हुए एक मीडिया इंटरैक्शन में बताया कि किक 2 पर काम शुरू हो चुका है और ये क्रिसमस 2019 पर रिलीज होगी। उन्होंने ये भी बताया कि एक इवेंट के दौरान जब सलमान उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दे रहे थे तो बस मजाक में उन्होंने कहा कि किक 2 भी तैयार है और जैकलिन इस बार तुम नहीं हो। तो ये था तो सिर्फ एक जोक, पर मीडिया में ये अफवाह हो गई कि जैकलिन को फिल्म में रिप्लेस कर दिया गया है। वैसे आपको बता दे, फिलहाल किक 2 तो दूर का सपना है क्योंकि इन दिनों सलमान अपने प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं। पर दोस्तों इस बारे में आपके क्या राय है? वेल, हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।